हार्ट की डिजीज़ का जो इलाज है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है, बहुत ही उन्नत हो चुका है। और आज के ज़माने में मैक्सिमम हार्ट पेशेंट जो सीरियस होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से आते हैं, उन्हें हम हॉस्पिटल्स में जहाँ एडमिट करते हैं उन्हें ICCU यानी इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट्स में रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल में हमारे पास 2 हार्ट के ICU है जिनमें पूरे 26 बेड पे एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इसमें पेशेंट की दिल की धड़कन को, उनके ब्लड प्रेशर को, उनकी रेस्पिरेटरी रेट, सांस की गति को, ऑक्सीजन लेवल को कंटिन्यूअस एक मॉनिटर के थ्रू जांचा जाता है। 24 घंटे डॉक्टर्स और सिस्टर्स लगातार उनकी स्थिति पर निगाह रखते हैं। और हार्ट पेशेंट जब हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर में आते हैं तो उनकी स्थिति बड़ी नाजुक होती है। हर मिनट मिनट में उनकी कंडीशन चेंज होती है, उस हिसाब से दवाइयों का डोज, ऑक्सीजन की डोज और बाकी इलाज, उनके कब ऑपरेशन करना है, कब आगे जांचें करनी है, उसका डिसीजन मिनट टू मिनट लिया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ICU में रख के ही सही इलाज दे पाते हैं। और पिछले 70 सालों 50 सालों से जब से पूरी दुनिया में ICCU का कंसेप्ट आया है, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट का, तब से हार्ट अटैक में जो जान गंवाने वालों की संख्या तेज़ी से उसमें कमी आई। और डेफिनेटली पेशेंट को हम जब ICU में रखते हैं क्रिटिकल पेशेंट को, तो उनके जान बचाने की संभावना डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो बिल्कुल शुरू के 72 घंटे जो बहुत क्रिटिकल माने जाते हैं हार्ट अटैक में, उनका बेस्ट इलाज ICU में कर पाते हैं। पर उसके लिए आपको सही हॉस्पिटल में जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, अच्छे एडवांस ICU अवेलेबल है, जहाँ पे कोरोनरी केयर के नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स अवेलेबल है 24 घंटे, उनमें पेशेंट्स यदि रहते हैं तो उनका इलाज बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है।